तो हेलो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो कुछ भी हो उस पर कैसे उसको स्पीड अप कर सकते हो एक सिंपल तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी उसको ओपन कर लेना है, और ओपन कर लेने के बाद जो है टास्क बार है यहाँ पे जाना है और अपने कर्सर से लाइस मतलब माउस से राइट क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा आपको फुल स्क्रीन में करके। यहाँ पे जो स्टार्टअप का ऑप्शन दिख रहा है, स्टार्टअप के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है और वो सारे ही ऐप लिखे डिसेबल इनेबल लिख के आ रहा है, जैसे ही इसको डिसेबल वाले ऑप्शन में कर देना है। जो सारे ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वो सारे ऐप हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ साथ ओपन हो जाते हैं उसको स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारे ऐप डिसेबल कर देने हैं जो कि आपके कंप्यूटर को स्लो कर रहे हैं या फिर जो आपके काम के नहीं। देखिए, मैंने खाली काम के ऐप यहाँ पर इनेबल कर रखे हैं और बाकी सारे ऐप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से, इसी ट्रिक की मदद से आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप जो कुछ भी है उसको स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है गाइस।